ओम शांति। विशाल दिल था कि एक बार जब ये 1984 की बात है, जब अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो है ना हत्या हुई थी और काफ़ी घमसान हुआ था, उसी में हमारे कानपुर का जो सेवा केंद्र था वो जल गया था, क्योंकि वो सरदार का मकान था। जलने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। और दादी कहे कि कानपुर आओ, कैसे आए, कुछ है ही नहीं। तो कुछ माताओं ने कपड़े दिए थे, कुछ अपनी बहनों ने दिए थे। फिर हमारी सरोज बहन जो है कासगंज की, उनके यहाँ एक भाई आता था बैंक का, वो भाई बोला नहीं, हम अपने उस पर लेके चलेंगे दादी को खर्चा करके। तो हमारे को, दादी को, गिरजा बहन को, वो तीनों की टिकट खर्च करके ले गया भाई। और जब वहाँ पहुँचे तो दादी इतने प्यार से मिली, इतने प्यार से मिली, और जैसे कि कोई अपनी बेटी होती है, बहुत प्यार से मिली दादी। और चलते समय दादी ने एक बड़ी सूटकेस में हर तरह के कपड़े लगाए, ज़रूरत की सब चीज़, रुमाल टॉवल सहित, और तीनों सूटकेस को सजा करके गर्म कपड़े, पहनने के कपड़े सब रखवाए कि कभी भी कोई कमी ना आए। तो दादी ने कोई एक साड़ी नहीं दी, दो साड़ी नहीं दी, छः छः साड़ियों का सेट दिया, एकदम भरपूर करके दादी ने भेजा, जो आज वो भरपूरता दिन दोनी रात चौगुनी चल रही है। ये दादी का कितना अंदर का प्यार था कि दादी ने सजा करके, भरपूर करके, और कुछ तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, दादी ने भेजा। फिर हमारा जो दूसरा एक मकान लेना था, रमेश भाई ने देखा और रमेश भाई ने कहा कि ये तो दादी से मैं कहूँगा, बहुत अच्छा मकान है, क्योंकि जहाँ बैठे थे वो तो जल चुका था, और दादी से हम पास करा देंगे और इसको आप ले लो, मुहूर्त भी नहीं पूछो, बहुत सुंदर मकान है। वो गोविंद नगर का था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई धन नहीं था। गंगे दादी ने कहा, दादी अभी कहाँ से लेंगे? तो रमेश भाई ने दादी को बोला, दादी ने कहा, गंगे तुम सुखी हो जाओ, तुम सुख से रहो, दादी बैठी है। तो दादी का बहुत प्यार था, क्योंकि शुरू शुरू में कानपुर वालों ने मिल करके बाबा को पांडव भवन की पूरी पहाड़ी खरीद के दी थी, और जो मेडिटेशन के बगल का कमरा है जिसको हवा महल कहते हैं, वो कानपुर वालों ने शुरू में बाबा के सामने बना के दिया था। तो बाबा ने कहा था कि गंगे बेटी, तुमने तो बाप को कर्जदार बना लिया, और बाबा इसका रिटर्न तुम्हें समय पर करेगा, वो दादी को पता था। तो दादी ने कहा, गंगे बाबा ने कहा था मैं रिटर्न करूँगा तुमको, तुम मकान खरीदो और मैं तुमको रिटर्न करूँगी, तुम्हें दूँगी और तुम उसको खरीद कर लो, ये बाबा की बात पूरी होगी। तो देखो, नहीं तो कोई होता तो कहता बाबा ने कहा, बाबा थोड़ी बैठा है, हम क्यों देंगे यज्ञ से पैसा। वो बात अलग है कि गंगे दादी ने धीरे धीरे यज्ञ को दिया, लेकिन पहले कोई दादी ने वायदा नहीं किया था कि तुम हमें वापस लौटाएंगी, नहीं, बड़े विशाल दिल से गोविंद नगर का मकान खरीदवा दिया। तो ये दादी के अंदर विशालता बहुत थी।